इन्हीं चार महिला मित्रों के संपर्क में वो फिर से आया और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर विवाद पर फिर सुनवाई और आज सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में बहस होगी। तो व्यास जी के तहखाने की जिम्मेदारी डीएम को सौंपने की मांग है। व्यास जी के परिवार ने कोर्ट से ये मांग की है। शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास ने दाखिल की है याचिका और दूसरी याचिका में पूजा पाठ करने की भी मांग की गई है। केस को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने की भी मांग है। स्थानांतरित करने का प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर विवाद पर फिर सुनवाई है। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में बहस होनी है। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, आज फिर से ज्ञानवापी को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में बहस होनी है, क्या कुछ आज कोर्ट में होने वाला है? देखिए, व्यास जी का जो तहखाना है, जो ज्ञानवापी का जो ढांचा बताया जाता है, जो वहां पर नीचे तहखाने में 1991 तक व्यास परिवार पूजा करता रहा है, इसके साक्ष भी सामने आए हैं। ऐसे में व्यास परिवार की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया है, जिसका वकालतनामा विष्णु शंकर जैन उसमें वकील हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है कि इसके पूजन का अधिकार दिया जाए और इसका पूरा जो अधिकार है वो जिला अधिकारी वाराणसी को सौंपा जाए। और इसी एप्लीकेशन पर आज की सुनवाई की तिथि नियत हुई थी और आज यहां पर सुनवाई होगी और इस सुनवाई में साफ होगा कि इस एप्लीकेशन पर कोर्ट क्या रुख अपनाती है और दूसरा पक्ष इस पर आपत्ति के लिए कब तक समय मांगता है। तो आज फिलहाल इसकी पहली सुनवाई है। व्यास परिवार की ओर से जो एप्लीकेशन दिया गया है कि पूजा करने की अनुमति दी जाए और इसका जो अधिकार है वो जिला अधिकारी वाराणसी को सौंपा जाए और इसी पर आज वाराणसी में सुनवाई होनी है कोर्ट में और लगभग 2 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत। विवाद पर आज फिर सुनवाई, महत्वपूर्ण सुनवाई है। देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ फैसले